Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 23 अगस्त और अभी 5:30 पे उठे थे सो के और ब्रश व्रश करके आए थे छत पे सोना को जगाने। सोना भी सो रही थी तो हम लोग अभी छत पे ही लेटते हैं। आजकल बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि नीचे बंद है तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और छत पे अच्छा लगता है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसे लोग सो रहे हैं। सोना, ए सोना, सोना उठो, चिड़कुनवा देखो कैसा पड़ा है। ए ए पैर हटाओ, तुम पैर हटाओ। दीदी तुम्हारे ऊपर गिर गई चप्पल, बेटा नीचे है तुम्हारी। सुबह का बजा था 6 बजा था तो इन लोगों को जगाने आए थे छत पे। और देख रहे होंगे आप लोगों की छत पे रात में भी कपड़े पड़े थे तो इतने सारे ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और रात में धुले थे, रात में नहीं धुले थे, मतलब शाम के टाइम धुले थे तो रात में सूखे नहीं थे तो रात में डाल दिए। हमने सोचा चलो रात तक पड़े रहेंगे लेकिन मौसम ख़राब लग रहा था, हवा तेज़ चल रही थी, थोड़ी बहुत फोल्डिंग पड़ी थी तो उसी पर उतार के डाल दिए थे। बाकी हम लोग यहीं पर भी ऐसे ही लेटे थे। भैया वही शितनु शितकुनु, चलो चले आओ नीचे, चले आजा आजा आजा, चले नीचे। बहुत नखरे दिखाते, क्या हो जाता है शीतन माँ? वो शैतान क्या हो जाता है ये बेटा को? उठो जल्दी से, उठो 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 उठो, नहीं उठेगी। Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build. क्या हुआ? और इन लोगों को नीचे ले आए थे। सोना अपने आप ही चली आई थी, बिटिया को नीचे ले आए थे और फिर उसके बाद में पूछा स्टार्ट किए हैं। झाड़ू लगा चुके थे, बर्तन पड़े थे वो भी धुल चुके थे, अब बचा था पोछा लगाना। तो 6:30 पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था और 7:30 तक लगभग जो भी नहाना धोना और पोछा झाड़ू सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में सोना का टिफ़िन तैयार करते हैं। सोना के साथ में हम लोग भी अपने लोगों के लिए भी बना लेते हैं। और ये लेजोन मंगाया था इन्होंने तो 2 लीटर का मंगाया था तो 1 लीटर उस पर ऑफ़र चल रहा था। तो एक तरफ साइड का सोना ने स्टिकर ही पूरा उड़ा दिया क्योंकि किसी भी चीज़ में स्टिकर रह नहीं सकता है। और इसे पोछा लगा रहे थे और सुबह सबसे पहले किचन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि गैस मेन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिटिया रोने लगती है तो उसके चक्कर में दूध जल्दी सबसे जल्दी गर्म करना पड़ता है तो सबसे पहले ही काम है गैस का साफ़ करना। तो सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं फिर उसके बाद में अदर कमरे में और आंगन में बाद में पोछा लगाते हैं। और पोछा ज़्यादातर सुबह का ही रखते हैं क्योंकि सोना के स्कूल जाने के पहले ही लगाते हैं क्योंकि अगर देर कर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि बृहस्पति को ज़्यादातर नहीं लगाते हैं। कभी ऐसा शायद मौका पड़ जाए तो भले लगा लेते हैं, बाकी बृहस्पति को पोछा नहीं लगाते हैं। और जल्दी लगा लेते तो फुर्सत मिल जाती है सारे कामों की। और फिर उसके बाद में चाय पी हम लोगों ने। फिर उसके बाद में सब्ज़ी बनाई थी, सूखी सब्ज़ी आलू की मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। और फिर उसके बाद में रोटी बनाई है तो रोटी बना रहे हैं। और फिर उसके बाद आज बहुत सारा ढेर सारा काम करना था तो बेड को सेट करना था। बेड आया हुआ था, विवेक ने हमको
विवेक ने 2 बेड बनवाई थी मम्मी के लिए, एक हमारे लिए बनवाई थी, तो वो हमारी शादी का शादी की सालगिरह का गिफ्ट आप पहुंचा के हैं। और आ तो काफ़ी टाइम पहले ही गया था, लेकिन गांव में थी तो गांव से यहाँ कोई मतलब कोई चीज़ आने वाली नहीं थी, साधन कोई आने वाला नहीं था। फिर आकाश गया था तो ले आया था, फिर इसीलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी रोटी बना ली, सारी हॉटकेस भर के ज़्यादा सी रोटी बना ली। तो ये है बेड आई है, और ये 11 बजे करीब ले आया था आकाश। और तो ये बरामदा में यहाँ पे पहले उसे पिकअप से आई थी, तो एक गांव का लड़का था और आकाश, दो लोगों ने अंदर कर, दो या तीन लोगों ने साथ, हम बाहर निकले थे लेकिन ध्यान नहीं है, तीन लोगों ने या दो लोगों ने अंदर किया और ये डाल दिया था। तो ये जब वहाँ से आई थी श्रावस्ती से, तो पन्नी लगी थी और इन लोगों की लापरवाही की वजह से इसमें खूब ढेर सारे स्क्रैच आ गए हैं। तो देखिए मछवा जो है, तो ये इसकी जो पेंट कह लीजिए या भी लकड़ी ऊपरी परत जो है उसकी, तो ये भी निकल गई है और देखने में अच्छी लग रही है, दीवान है और इधर का नहीं निकला हुआ है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है इसकी। और सबसे अच्छा काम तो ये है कि जैसे जितने भी घर का सामान जितना होता है, बक्सा जो होता है, तो उसमें कितना सारा सामान आप रख लेंगे, तो इसमें ये भी हो जाता है कि सामान रखने की बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बक्सा इस समय भरा हुआ है, तो हमको तो सबसे बढ़िया राहत मिल जाएगी। और ये इसकी प्लाई है ऊपर से जो ढक के जाती है, तो सारा काम करने के बाद में इसे सेट करेंगे। और ये विवेक ने मतलब ऑर्डर देके बनवाई है, जैसे वहीं पे जहाँ श्रावस्ती में रह रहा है, तो वहीं वहीं ऑर्डर देके बनवाई गई है और फिर वो छोड़ भी गए थे। और ये है हमारा रूम, और इतनी सी जगह है, समझ में नहीं आ रहा ये वाला तख्त हटाएं रखें, क्योंकि ये पतला है और इसमें शायद जो पटरा थे तो वो कम थे, तो इसीलिए पापा ने ऐसे ही बनवा दिया था। तो अभी देखते हैं पहले कैसे बनेगा इसको, चलो पकड़वा चले अभी देखते हैं कि कैसे बनेगा, ये दोनों बन जाएंगे इसी में या फिर एक ही बेड ही पड़ेगी, तो देखते हैं पहले। तो अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं बेड को, मतलब बरामदे में पहले बेड रखी हुई थी तो किसी को बुलाना पड़ता है, तो ये कह रहा था किसी को बुला लें, आकाश कह रहा था किसी को बुला लें, तो हमने कहा क्या करोगे, धीरे धीरे करके अंदर बेड कमरे में ले आते हैं। तो जो यहाँ का तख्त है उसे अभी साइड में रखेंगे। तो पहले तो हमें तो लग रहा था कि दोनों आ जाएंगे, लेकिन जब बेड पड़ी तो तख्त की गुंजाइश कहीं पर भी नहीं थी कमरे में, क्योंकि कमरे थोड़े से छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादा सामान इसमें अच्छा भी नहीं लगता है। अगर वैसे रखने को क्या, किराए पे जब रहते हम लोग हैं तो एक ही रूम में सारा भरना पड़ता है, तो लेकिन अभी जब पूरा घर खाली पड़ा हुआ है तो इसीलिए कुछ भी चीज़ कहीं पे भी रख दो ऐसा होता है, तो इसीलिए बेड जो तख्त है उसे बाहर भी निकाल देंगे। और बेड काफ़ी भारी थी, लेकिन धीरे धीरे यही कह रहा था आकाश, कह रहा था उठा नहीं पाओगी क्या उठा, लेकिन फिर उठा लिए। और ऐसे पहले ये कह रहा खड़ी खड़ी ऐसे रख दो, लेकिन खड़ी रखने पे ज़्यादा जगह कमरे में और ज़्यादा कम पड़ जाती, तो इसीलिए जैसे ही तख्त पड़ा था सेम वैसे ही बेड को भी रख देंगे, ताकि थोड़ी बहुत जगह जो है साइड से निकलने में पोछा लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे अच्छी बात इसमें बेड में ये है कि जो इसके मछवा जो हैं तो वो थोड़े से ऊंचे हैं, तो नीचे अगर हाथ डाल के झाड़ू भी लगाना चाहो तो अच्छे से झाड़ू भी लग जाएगा, पोछा भी लग जाएगा किसी डंडे से या फिर किसी चीज़ से लगा लो तो वो भी बन जाएगा। और वैसे ज़्यादातर जो बेड होती हैं तो इनमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, तो पोछा या फिर झाड़ू लगाने में उसमें दिक्कत होती है, लेकिन इसमें ये सबसे अच्छी बात है, आराम से झाड़ू पहुँच जाएगा, साफ़ करना चाहें तो साफ़ हो जाएगा। और कमरे की रौनक बेड से ही होती है, तो वो भी आ गई, बेड भी आ गई। और हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब शादी, हमारा जो भी शादी का सामान था वो गांव में ही पड़ा है, तो हम लोग बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं, हमेशा से ही बाहर ही रहे हैं, तो समझ लो बेड नहीं थी तख्त पे, पहले बरेली में थे तो फोल्डिंग थी, तख्त भी हाँ एक तख्त भी था, तो तख्त पे फोल्डिंग पे ही हम लोग रहते थे, लेटते थे, लेकिन बेड नहीं थी, लेकिन बेड अब आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी 1-2 साल में हमको नहीं लगता था कि अभी कोई गुंजाइश नहीं थी, मतलब कोई भी विचार नहीं था, हम लोगों की तरफ से भी कोई भी विचार नहीं था कि बेड खरीदेंगे। हाँ
एक दो साल में ख़रीद लेते जो भी सारे खर्चे हैं उनसे उभरने के बाद। लेकिन अभी मतलब जस्ट जैसे ये बेड मिली है, इस तरीके का कोई भी विचार नहीं था और ये बेड मिली। थैंक यू सो मच विवेक देने के लिए, अच्छा लगा हमको, ख़ासतौर से हमको। इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको ये लगता था कोई भी यार लेडीज़ कोई भी हो उनको लगता है यार जितना सारा सामान जब ज़्यादा हो जाता तो कैसे मैनेज करना पड़ता है, तो घर की औरतें ही जान सकती हैं, आदमियों पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों की। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे जो बिस्तर थे, रजाई थी, तो बक्से में एक ही बक्से में सारा सामान भर लेते थे, तो बहुत ज़्यादा भर गया था बक्सा, तो खोलने का तो मन ही नहीं करता था। कभी भी थोड़ा भी सामान निकालना होता था बक्से से तो हम तो भैया दूर भागते रहते थे, जब कोई होता तभी हम खोलते बक्सा, वैसे खोल नहीं पाते थे। अब आसानी रहेगी। और बेड में ये हुआ, आजकल बरसात है ना, तो प्लाई जो है थोड़ा सा मौसम की वजह से हमें लग रहा सेट नहीं बैठ पा रही थी, तो इधर उधर एक साइड एक्स्ट्रा थी, तो आकाश कह रहा था छोड़ दो, छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, देखते हैं, बड़े ही जो होते हैं वो ठोक के बैठा लेते हैं प्लाई को, अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कोई चीज़ खिसक जाती है। तो फिर इसने थोड़ा सा चाकू से उसकी जो परत है एक दो परत निकाल दी, तो बाकी बाद में सेट हो गई थी। और यहाँ पे ये पन्नी लगी हुई है और खूब अच्छे से टूट गई है, ये देखिए यहाँ पे जो भी लगी हो कैसे भी चोट चोट नहीं, मतलब ये है पार्लर वाला लग गई थी, तो जो वो पतला वाला तख्त था वो वाला यहाँ पे डाल दिया है। इसमें जगह तो खैर नहीं बची है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इतना कमरे जो हैं उसके बहुत छोटे छोटे बने हैं और पूरा भी रैन वैन सब पड़ा हुआ, फैला हुआ सब पड़ा है मतलब। तो इसको अभी सब सही करेंगे थोड़ा सा, इसको मतलब ऐसे पहले सेट कर दिया है तख्त को, अब यहीं पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अपनी मशीन रखेंगे सिलाई करने के लिए, तो ये जगह ठीक रहेगी, परमानेंट यहीं पे सेट कर देंगे। इधर यहाँ पे मशीन रख लेंगे, इसी पे बनाने में आराम भी रहेगा। और दरवाज़ा ये वाले अंदर का दरवाज़ा है, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा हमें खुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमारे आने और जाने भर का दरवाज़ा खुल गया है। और ये वाली चेयर है, अभी इसको सही करेंगे सेट करेंगे। और फ़ैन तो वो वाला वहीं पर रखा रहता है। स्टूल देखते हैं, स्टूल भी हटा देते हैं या फिर जगह, इसमें भी ज़्यादा जगह नहीं, वैसे भी पार्लर में ज़्यादा कौन सा जब बहुत बड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये है पार्लर, इसको भी बाद में सही करेंगे, झाड़ू भी पड़ा है। और ये हमारी यहाँ पे शैतान, यहाँ पे हम लोग बरामदा है, तो इस तरीके का बरामदा है खुला हुआ, तो यहीं पर दो जॉइंट में तख्त पड़े हुए हैं, हम लोग यहीं पर लेटते हैं क्योंकि चार लोग हो गए हैं ना, तो खटिया या फोल्डिंग या सिंगल तख्त पे इस पर लेटते नहीं बनता है किसी को, तो इसे पूरा बना लिया है इसे जोड़ के, तो इस पर चारों लोग बड़े आराम से लेट जाते हैं। और जब कोई मेहमान भी आता है तो यहाँ पे जो ये जगह बची है, जैसे चेयर यहाँ पे ये रखी हुई है, तो यहाँ पे एक फोल्डिंग आ जाती है और एक यहाँ पे खटिया आ जाती है, दो चीज़ों के लिए जगह है यहाँ पे अभी। तो और दूध आया था घर से, तो उसको रख दिया है उबलने के लिए, और भैंस लगने लगी है तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो दूध आता है तो मोल का पता नहीं चलता है। अपने घर की चीज़ अलग ही होती है। और ये शैतान के लिए गर्म करके रख गए थे, इसके लिए थोड़ा सा एडवांस में ठंडा रखते हैं क्योंकि इसको भूख लग जाए कब पता नहीं चिल्लाने लगे, और चिल्लाएगी तो घंटे भर बंद नहीं होगी। और अभी ये तुरंत उसने बच्चा दिया है ना, तो तुरंत का भी मतलब घी वगैरह नहीं भी बनने वाला है ये, लेकिन चाय के लिए अड़री बनती है, अड़री बनता है इस दूध का भी, लेकिन उतना बढ़िया अड़री नहीं बनता, अब खोया जैसा बनता है उस तरीके से बनने लगा। अभी दो चार दिन ही खाली अड़री बनी है और उसके बाद में जैसे खोया वाला बनने लगा है, तो हम लोग भी चाय में यूज कर लेते हैं इसे क्योंकि चाय भी इसकी बहुत अच्छी बनती है, और बढ़िया सी मलाई भी पड़ जाती है घी वाली, मतलब भैंस जो है वो घी वाली है, अच्छा घी होगा इसके बाद इस बार, मतलब अभी एक बार से अभी पापा जल्दी ही लाए थे, मतलब एक ही बार लगी है और फिर उसके बाद में बच्चा देने वाली हो गई थी। और ये उबाल आ रहा है और खाने में बनाया है सिर्फ दाल अभी, और ये रहे कुकर रखा हुआ है, दाल और चावल, रोटी के लिए आटा भी रखा हुआ है, तो वो तो दूध उबल जाए जल्दी से और फिर उसके बाद में बनाते हैं रोटी। और ये हमारी माते ने बनाई भेजी है मक्का की रोटी, किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर बताना। तो ये है चूल्हे की रोटी बनी हुई है, हल्की हल्की सी राख लगी हुई है, तो ये देखिए दो बना के भेजी हमको, इसकी रोटी और दूध बहुत पसंद है, तो मम्मी आकाश आ रहा था तो मम्मी ने भेज दिया है।
ये रोटी जब खाते हैं तो दूध रोटी के साथ खाते हैं वगैरह। बाकी कद्दू की सब्जी और लौकी की सब्जी जो सूखी होती है वो उसके साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन दूध रोटी के दूध और रोटी बहुत अच्छी लगती है हमको। ये तो 1 बजने वाला है और अभी खाना नहीं खाए हैं, आकाश आ जाए तो खाना हम लोग खाते हैं और इसके बाद में बाकी सब सेट करेंगे। पोछा वगैरह लगा चुके थे लेकिन फिर भी गंदा हो गया है तो बैठ जाते हैं पहले। तो पोछा वगैरह लगा चुके थे लेकिन वो गंदा हो गया, तो उसके बाद में अभी जब सोना आ जाएगी खाना हम लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद में शाम को मतलब थोड़ा सा आराम कर लेंगे क्योंकि सुबह से आज टाइम नहीं मिला, आज ये थे नहीं घर पे, तो हम ही गए छोड़ने सोना को स्कूल भी। और स्कूटी जो है हमारी पंचर खड़ी हुई है तो वो उसके लिए आकाश होता तो दिखवाता है उसे स्कूटी को, तो इसलिए यहाँ से चौराहे तक गए पैदल, फिर ऑटो से गए स्कूल छोड़ने, फिर पैदल आए, तो काफ़ी ज़्यादा गए थे थक, क्योंकि जैसे निकलते रहो तो आदत पड़ी रहती है, जब निकलो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा थकान सा लगता है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है, जल्दी से आ जाए तब तक हम निकाल के रख लें, सोना आएगी तुरंत खाना शुरू कर देंगे हम लोग। और बेड आने के बाद दूसरे दिन का ये वीडियो है, एक दिन में जैसे आई तो उस दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि थोड़ा देर में आई थी, और दूसरा दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा था तो उस दिन हमारा थोड़ा काम घर का जो था कम पड़ रहा था, तो इसीलिए हमने कहा चलो बेड को भी सेट कर लेते, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यही कोना एक्स्ट्रा हो गया था इसीलिए इसे सेट कर रहे थे। बाकी का जो बेड है वो हम लोगों ने कर दिया है, भर दिया है इसको, जैसे थोड़े से बर्तन डाल दिए हैं और नीचे रजाई रखी, उधर साइड में थोड़ा सा सामान और भी है, और उधर की, अरे यार इकतरी अपनी तरफ एक पीछे थोड़ा, और यहाँ पे बेटा सो रहा है तो हम लोग कर रहे हैं कमाई। और ये सारे कपड़े हैं, ये सोना के कपड़े थे बक्से में, बड़े वाले बक्से में, तो जो बिटिया के पहनने वाले हैं वो निकाल दिए हैं, इनको बाद में साफ़ करेंगे। और ये इधर इतने निकाले कपड़े हैं, ये बेकार वाले कपड़े हैं, और बक्से को कर दिया है साफ, बिल्कुल मतलब खाली हो गया है बक्सा, और ये छोटा सा बक्सा इनका सब सामान रखा है। अभी पूरा कमरा गंदा पड़ा हुआ है, सामान सारा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। और जो भी बक्से पहले पहले तो बक्सा पूरा भरा हुआ था, तो बक्से को अब कर दिया साफ, मतलब हल्के हल्के सामान जो बड़े बड़े थे रजाई और कंबल वगैरह था तो वो सब सब हटा दिया है इसमें से, और इसमें रख दिए हैं ठंडक वाले कपड़े रखे हैं बक्से में, और बाकी भी जो कुछ यूज वाली चीज़ें हैं वो डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद में इस कमरे में बहुत ज़्यादा कबाड़ है, इस कमरे में आप ये मान लीजिए इसे स्टोर रूम ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि सारा जो भी भरा होता है सारा इसी में भरा होता है, स्कूटी भी इसी में, खटिया भी, ये खटिया भी इसी में खड़ी कर दी, स्कूटी भी इसी में खड़ी कर दी, और बाकी भी सारा का सारा सामान इसी में भरा पड़ा है, तो जो कबाड़ वाला सामान वो निकाल देंगे और स्कूटी इसी में खड़े रखेंगे क्योंकि बाकी कहीं पर जगह नहीं है। तो बेड का जो प्लाई था वो थोड़ा सा बरसात की वजह से, शायद ऐसा बरसात की वजह से वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब बराबर सेट नहीं बैठ रही है, तो वही आकाश उसे चाकू से सही कर रहा है। और हम लोग सुबह का खाना नाश्ता कर चुके हैं और सामान भर भी चुका है, खाली यही रहा है कि वो सेट नहीं बैठ पा रही थी, तो तब तक हमने सोचा चलो इसका वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं आप लोगों से। सोना स्कूल पहुंच गई है और बिटिया रानी के मारे सारे खिलौने पड़े हैं, ये प्यारे प्यारे से खिलौने हैं इसके, धीमी सी आवाज एक है इसमें, इसमें से थोड़ा सा तेज आवाज आती है, और एक ये इस तरीके का है, इसमें ये बॉल लगा है, और ये एलिफेंट बना हुआ है, इसमें फिश बनी हुई है दो कलर में, पिंक ब्लू। तो लग गया बिस्तर, और अभी बेड वाला बिस्तर नहीं मंगा पाए हैं, तो ये रुई वाला बिस्तर था, ये हमारी शादी का था तो वही बिस्तर डाल दिया है इस पे, और के लिए फिर बाद में चादर मंगाएंगे, अच्छी सी तकिया मंगाएंगे,
ये है आकाश लेट। तो आकाश कैसा लग रहा है लेट के लिए? बहुत अच्छा। आराम मिला? बढ़िया लगी है।